आप सबको राम राम। माँ भारती को प्रणाम। युवाओं, बच्चों, आज मैं आपसे कुछ ख़ास बात करना चाहता हूँ। समाज एक अलग रास्ते पर जा रहा है, समाज एक दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है। इस समाज को यदि हमने नहीं पहचाना, आपने नहीं पहचाना, ख़ास तौर से आपने यदि नहीं पहचाना, तो आगे आने वाला वक्त इस देश के लिए बहुत मुश्किल भरा होगा। आप कुछ चीज नोट कर रहे होंगे, खासतौर से सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर इस समय अन्य गुरुओं की मजाकें उड़ाई जा रही हैं, देवी देवताओं पर तंज कसे जा रहे हैं, कुछ शास्त्रों पर बड़े अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, पूजा के स्थानों की मजाक बनाई जा रही है या उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जा रहा है, जातियों को लड़ाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और उसके लिए वह बहुत सारे ऐसे तथ्य बटोर बटोर कर ला रहे हैं जो मूलतः तथ्य हैं ही नहीं। लेकिन कभी भी कोई चीज बहुत सुंदर अंदाज में सोशल मीडिया पर जब प्रस्तुत की जाती है तो वो आपके फोन की एक छोटी लेकिन दमकती हुई स्क्रीन पर जब दिखता है तो हमको लगता है वो सत्य है, वही सही है। लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम हो कि बहुत सारे लोग दिन रात इसी ही काम पर लगे हुए हैं कि कैसे इस देश के लोगों को भड़काया जाए, भटकाया जाए। खासतौर से युवाओं को वो टारगेट कर रहे हैं, आपके दिमाग में कैसे प्रदूषण भरा जाए, हाउ टू पोल्यूट योर माइंड्स, हाउ टू पोल्यूट योर थॉट प्रोसेस, हाउ टू ब्रिंग नेगेटिविटी इन यू, आप में नकारात्मकता इतनी बढ़ा दी जाए कि आप समाज में द्वेष भाव फैलाने में उनके मददगार सिद्ध हों। इससे बचना होगा। जो चीज़ें बहुत साल पहले हुई हैं, हजारों हजारों साल पहले हुई हैं, उन्हें ठीक तो करना है, लेकिन उसके आधार पर आज किसी से द्वेष भाव रखना, ये मजाक उड़ाना नहीं तो और क्या है। ये मजाक उड़ाने वाले लोग बहुत शातिर हैं, तेज हैं, वह बहुत दिमागदार लोग हैं, इसीलिए वह अपने राजनीतिक हित साध रहे हैं। लेकिन बच्चों, उनके राजनीतिक हित सध जाएंगे, आपके सामने वह दिक्कतें आएंगी। आज जो लड़ाने की बात करता है, जो आक्रामक भाषा की बात करता है, जो हिंसात्मक शैली का उपयोग करता है बोलने में, वह बहुत जल्दी हिट हो जाता है और बाकी लोगों की इज्जत पे खतरे मंडराने लगते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये बात आपसे कहूँगा, यह जो समय है, यह वो समय है जिसमें आप डेवलप कर सकते हो अपने आप को। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, आत्मविश्वास अपने अंदर बढ़ाओ, एक दूसरे के प्रति करुणा भाव रखो, प्रेम भाव रखो। इस वक्त अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करो और यदि कोई भी चीज आपको गलत लगती है तो उसको बदलने के लिए आगे बढ़ो। लेकिन आक्रामक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश के युवाओं की संख्या इतनी अधिक है कि वह बहुत बड़े परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सकारात्मक दृष्टि से एक होना होगा। विद्वेष की भावना से नहीं, राजनीति चमकाने की भावना से नहीं, बल्कि अपने और अपने परिवार, अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने गांव, अपने नगर के भविष्य को संवारने के लिए एक होना होगा और विकास की भाषा बोलनी होगी। डेवलपमेंट, आपके पेट जब भरेगा तभी आप बहुत सारी और चीज़ों के बारे में सोच सकेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप एक शीशे के घर पर ईंट फेंकते हैं तो वहाँ से भी ईंट आएगी, दूसरे शीशे के घर पर फेंकी जाएगी, दोनों घर टूटेंगे, तीनों घर टूटेंगे, चारों टूटेंगे, मोहल्ला टूटेगा, नगर टूटेगा, समाज टूटेगा। और यह स्थिति लिख के रख लीजिए, किसी के भी फायदे की नहीं होगी। इस देश में बहुत सारे लोग इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं कि उनकी फसलें खराब हो रही हैं, उनके लिए बोलने का वक्त है। बहुत सारे लोग इसलिए अवसाद में चले गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं कि उनकी इंडस्ट्रीज नहीं चल रही हैं, उनके लिए बोलो, क्योंकि वहां से सबके लिए नौकरी निकलती है।
इस देश के बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल रही, शिक्षा में भेदभाव है और सही मायने में शिक्षा में पूंजीवाद आ चुका है, कैपिटलिस्ट एजुकेशन हो गई है। इसके लिए बोलना सीखो और जब आप विनम्रता से और संवैधानिक रूप से अपनी बात कहोगे और कहते रहोगे वह पूरी होगी, मैं आपको बता रहा हूं। धर्म को समझने की आवश्यकता है, धर्म में कुछ गलतियां हुई हैं और वो बहुत भयंकर गलतियां हुई हैं, उसको सुधारने की आवश्यकता है, लेकिन वह सुधार प्रेम से होगा, वह संवैधानिक तरीके से होगा। और यहां पर आपकी ताकत चाहिए। कैसी ताकत? आपकी जन बल की ताकत। इकट्ठे होकर अपनी बात कहो और ज्ञानवान होकर हो। तुम क्यों अपना व्यक्तित्व कुछ चुने हुए हाथों में दे देना चाहते हो? तुम क्यों अपना भविष्य कुछ लोगों को समर्पित कर देना चाहते हो? खुद पढ़ो, खुद समझो, क्योंकि भविष्य तुम्हारा है। मैं एक अजीब सी बात सुन रहा था और इसीलिए मुझे ये बात कहने का और भी ज्यादा मन हुआ। एक धर्मगुरु बोल रहे थे, यहाँ मत जाओ, यहाँ ये गलत है, वहाँ वो गलत है, कहीं मत जाओ, कहाँ आओ? मेरे यहाँ आओ। धर्म दुकाने नहीं है, यह एक आइडियोलॉजी है, यह एक फिलॉसफी है। इस फिलॉसफी से कर्म सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। आपको इस कर्म को सीखना है, आपको धर्म का वो स्वरूप देखना है जो आपके कर्म करने की क्षमता को बढ़ाता है, जो समाज को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, और जहां जहां शोषण होता है वहां हम सब लोगों को खड़ा होना होगा, चाहे ये स्त्रियों का शोषण हो, चाहे वो बच्चों का शोषण हो, या फिर जातिवाद का शोषण हो, वहां हम सबको मिलकर खड़ा होना होगा। और चीजें सुधरेंगी, चीजें सुधर रही हैं, चीजें और बेहतर होंगी, लेकिन यदि सब लड़ पड़े तो क्या होगा? कुछ भी बेहतर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी युद्ध में परिणाम कभी सकारात्मक आते ही नहीं है। युद्ध की विभीषिका से डरो बच्चों, और अपने विकास के मार्ग पर आगे बढ़ो। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमारे अंदर कैपेबिलिटी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन फिलहाल मैं हर बच्चे से कहना चाहता हूँ कि अपने कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान दो, अपने अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट करो, अपने अंदर गुणों का प्रादुर्भाव करो और अपना अभ्युदय करो। किसी फेर में मत पड़ो, आगे चलो। धर्म जीना सिखाता है, शांति सिखाता है, प्रेम सिखाता है। बस धर्म को यहीं तक रहने दो और उसके आगे आपकी उन्नति का रास्ता खोलो, ठीक है ना? तो ऐसे सभी लोग जो दूसरे धर्म, दूसरे गुरु, दूसरे पूजा के तरीकों पर या भगवानों पर अनर्गल टिप्पणी करते हैं, उन्हें कह दो अच्छा ठीक है, और अपने काम पर जुटो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारे काम से चले। चलता हूँ, आप खूब खुश रहो और दुनिया में सकारात्मकता बांटो, यही युवा अभ्युदय मिशन भी है। राम राम, भारत माता की जय।